से पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेस्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं, 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में। कुछ कहने को नहीं है, बोलती बंद हो गई है। साथियों, आज समय आ गया है, हरियाणा से राहुल गांधी जी के दौरे का आज यहाँ असन से आगाज हुआ है। इनका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ और मैं अपील करती हूँ, हरियाणा में जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा गया, धोखे से राज किया गया आपके ऊपर, आज समय आ गया है उसका बदला चुकाने का। मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब भाई, 36 बिरादरी, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, सभी लोग आज आप इस इंतजार में हैं और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 5 तारीख को चुनाव हो रहा है, आप सभी से अपील है कि आपने यही उत्साह उस दिन दिखाना है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है और यहाँ से भाई